The question is from a well-checked deck of 52 cards. One card is drawn at random. Find the probability of getting a red card, a 10 of black cards or a face card. तो सबसे पहले हमारे पास जैसे अब कार्ड है 52, तो उसमें हमें ये पता है कि 26 इसमें से रेड कार्ड होते हैं और 26 इसमें ब्लैक कार्ड्स होते हैं। जो रेड कार्ड होते हैं उसमें हमारे पास 13 डायमंड एंड 13 जो है हार्ट के होते हैं, राइट। और ब्लैक में हमारे पास 13 क्लब और 13 स्पेड के कार्ड होते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर उसने पूछा क्या हमसे, सबसे पहले उसने पूछा है रेड कार्ड फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो नंबर ऑफ रेड कार्ड्स हैं वो कितने होंगे, 26। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, गेटिंग अ रेड कार्ड, तो फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवरेबल केसेस है 26 और टोटल है कितने कार्ड्स थे, 52। तो 26 अपॉन 52 तो दैट इज इक्वल टू 1/2। सेकेंड पार्ट में इसने क्या पूछा है, अ 10 ऑफ ब्लैक कार्ड्स। अब देखो जो ब्लैक कार्ड है 13 13 टू सूट्स के हमारे पास है, तो 10 नंबर का एक कार्ड क्लब में आएगा और 10 नंबर का एक कार्ड स्पेड में आएगा। तो ब्लैक कलर के जो ब्लैक कार्ड है उसमें टू हमारे पास कार्ड्स आएंगे 10 के। सो नंबर ऑफ टेंस ऑफ ब्लैक कार्ड ये रहेगा हमारे पास टू, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 10 ऑफ ब्लैक कार्ड 2 डिवाइड बाय टोटल 52, तो कितना आ जाएगा 1/26। थर्ड क्या हमारे पास, अ फेस कार्ड। अ फेस कार्ड कौन से होते हैं, फेस कार्ड वो होते हैं जैसे हर एक टाइप में, जैसे डायमंड है, हार्ट है, क्लब है, स्पेड है, तो हर एक टाइप में एक किंग, एक क्वीन और एक जैक कार्ड होता है, इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड, ठीक है। किंग क्वीन एंड जैक 1/1 सभी में होता है, डायमंड में भी, हार्ट में, क्लब एंड स्पेड, यानी कि 3 3 3 एंड 3, तो 3 4 12 12 हमारे पास होते हैं फेस कार्ड्स। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ फेस कार्ड्स आ गया 12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड इज 12/52। तो कैंसिल आउट करेंगे इसे हम 4 पे, 4 3 12 और 13, तो 3/13 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस स्टेप से इस सम को हमें सॉल्व करना है। थैंक यू।